नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल ऑल फ्रॉम अप्लाई में स्वागत है। तो दोस्तों, यूपीएससी एनडीए सेकंड का ऑनलाइन फॉरम स्टार्ट हो गया है। आपका फर्स्ट का एग्जाम जो 18 अप्रैल 2021 के हुआ था, जिसका रिजल्ट जल्द आने वाला है। तो दोस्तों, आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपना घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, आपका एज लिमिट क्या रखा गया है, कब से अप्लाई होने वाला है, पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सटीक और सही जानकारी दी जाती है। क्योंकि दोस्तों, मैं भी एक कैंडिडेट हूं, खुद फॉर्म अप्लाई करता हूं, इसलिए सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही वीडियो बनाकर आप लोग के साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों, चलिए मैं बताता हूं कि आप अपना फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अप्लाई है इसका 9 जून 2021 से 29 जून 2021 तक आप अपना फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई आज से स्टार्ट हो गया है। इसका एग्जाम भी आपको डेट निकाला गया है, जो कि आपको 5 सितंबर 2021 के होने वाली है। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, आपको जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फी, अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है। दोस्तों, आपका एज लिमिट जो है 2 जनवरी 2003 से आपको 1 जनवरी 2006 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वह कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें टोटल पोस्टों की संख्या 400 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, यानी 400 के लिए इसमें आपको वैकेंसी निकली है। दोस्तों, हमेशा इतना ही पोस्ट निकलता है, जो कि इसमें आपको आर्मी नेवी इसमें पूरा पोस्ट होता है। दोस्तों, इसमें आपका क्वालिफिकेशन 10+2 यानी इंटरमीडिएट किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए, वह कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, वह कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको नेवी एयरफोर्स के लिए आपको सभी मिलाकर पोस्ट है, और इसमें आपको मैथमेटिक्स जनरल इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, जो कि आपको एक 300 नंबर का और एक 600 नंबर का, टोटल एसएसबी इंटरव्यू आपको 900 नंबर का होता है। दोस्तों, आप इसमें जितना ज़्यादा नंबर लाइएगा, आपको अच्छा पोस्ट इसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ कि आप अपना फॉर्म अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट अप्लाई किए थे तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आसान तरीके से। अगर आप फर्स्ट नहीं अप्लाई किए थे तो सेकंड अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिलेगा, वहां से जाइए और अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर फोटो सिग्नेचर आपको इसमें अपलोड करना है तो आपको एक रिसाइजर, आपको फोटो रिसाइजर आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपको जितना केबी के आपको फोटो मांगेगा उसमें आपको बना लेना है और फोटो सिग्नेचर डाल देना है। दोस्तों, अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आए, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक एक आपको कमेंट का रिप्लाई देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। क्योंकि दोस्त, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, इसलिए मैं अपने मोबाइल से अप्लाई करता हूँ और आपको भी गाइडिंग करता हूँ कि अपने मोबाइल से अप्लाई कीजिएगा तो आप सही से अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको नाम जो भी आपका क्वालिफिकेशन है भरने में दिक्कत नहीं है और गलत भी नहीं होगा। तो आप अपने मोबाइल से अप्लाई कीजिए, अपना छोटा भाई समझ के मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक एक रिप्लाई और बताऊंगा कि आप कैसे अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ अगला वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।